नौसेना अध्यक्ष पद से बर्खास्तगी के बाद विष्णु भागवत और उनकी पत्नी नीलोफर भागवत ने कई गंभीर आरोप उछाले थे और सरकार ने इनका खंडन भी कर दिया था। मगर इन आरोपों के बारे में, इस विवाद के बारे में नौसेना क्या सोचती है, आइए पूछते हैं रियर एडमिरल सतिंदर सिंह से। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है सतिंदर सिंह जी। धन्यवाद। नौसेना अध्यक्ष विष्णु भागवत की जो बर्खास्तगी हुई है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, एक अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है जिसमें सरकार और विष्णु भागवत आमने सामने हैं। आपको क्या लगता है इस विवाद पर, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताऊं, वो ये है कि सेना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इंग्रेडिएंट जो कहते हैं इस डिसिप्लिन। इसका मतलब जो जूनियर आदमी है, जवान हो, JCO हो, अफसर हो, अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर मानता है जी। वो इट इज़ ना, ये नहीं कि वो रूल ही है, वो ट्रेडिशन भी है। अब इसमें जो इस अफेयर में जो एडमिरल विष्णु भागवत इसने कुछ नाम प्रपोज किए फॉर सर्टन अपॉइंटमेंट्स। अच्छा, इसने उन्होंने कुछ नाम में थोड़ी तब्दीली कर दी, सो हम पढ़ते हैं जी। अच्छा, ना ये नहीं उसको मानना चाहता इसने, फिर जो मैं कहता हूँ मेरी तरफ से, इसने एक्सक्यूजेस बनाने शुरू किए। दिस इनका जो मिनिस्टर भागवत साहब ने, हाँ भागवत साहब ने, इसने ये कहना शुरू कर दिया कि दिस ऑर्डर इज नॉन इम्प्लीमेंटेबल। ना इसका हिंदी आप ट्रांसलेट कर लीजिए, ये अमल करने लायक नहीं है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, नॉन इम्प्लीमेंटेबल। जी हाँ, आई फील ही वाज टोटली रॉन्ग। अच्छा, आपके अनुसार जो विष्णु भागवत कर रहे थे, नहीं ठीक है, वो पूरी तरह से गलत थे। रेकमेंडेशन भेजने में बिल्कुल ठीक थे, जो अपॉइंटमेंट खाली हो तो उनका राइट है जी हाँ, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है रेकमेंडेशन को मानने के लिए। सरकार का फाइनल अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट, बिकॉज ये कोई मिलिट्री गवर्नमेंट तो है ही नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एंड इट इज द सिविल अथॉरिटी, नॉट सिविल सर्वेंट अथॉरिटीज, सिविल अथॉरिटी इज सुप्रीम। उसके ऑर्डर के अंदर सारा हिंदुस्तान चलता है। इसने भागवत ने उसको फ्लाउट किया। ये बताइए सतिंदर सिंह जी, ये जो विवाद हुआ है इससे क्या हमारी सेना के मोराल पर भी बुरा असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं नए पैसा असर नहीं पड़ेगा। सतिंदर सिंह जी, ये बताइए कि इस सूरत में जबकि भागवत साहब इस तरह के कंट्राडिक्शन में उलझे हुए थे, विवाद चल रहा था, तो उनके लिए क्या बेहतर होता? क्या उनको पहले ही इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए था इस विवाद से? मेरी राय ये है जी कि अगर उनकी प्रपोजल रिकमेंडेशन के कई मीनिंग हो सकते हैं, रिकमेंडेशन सिफारिश भी होती है, रिकमेंडेशन है कि प्रपोजल है जी हाँ। अच्छा, उन्होंने रिकमेंडेशन किया, अगर नहीं मानी गवर्नमेंट ने किसी वजह से जी हाँ, उनको फिर जाकर मिलते, फिर प्रपोजल भेजते, कि जैसे कचहरी में जाते हैं कि कोर्ट्स को कहते हैं अपना रिव्यू, डिसीजन रिव्यू करिए, जो आपने जो डिसीजन लिया है इट्स नॉट, आई फील इट इज़ नॉट ए, इट विल नॉट गो डाउन वेल इन द सर्विस और वट एवर रीजन जो आप देना चाहते थे, तो आप ज़रा इसको फिर रिव्यू करिए। अगर उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है उन्होंने कहा हो और सरकार ने उस पर विचार न किया हो? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, ये तो मुझे इनसाइड स्टोरी तो मालूम नहीं है जी हाँ। तो हो सकता है उन्होंने कहा, हो सकता है ना कहा। अगर आपको लगता है कि इस पूरे विवाद में सरकार की तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए थी वो की गई होगी? सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हुई है और सरकार ने सारा कुछ सोच कर ये डिसीजन दिया है। दिस इज अ ग्रॉस डिसोबीडियंस ऑफ सुपीरियर अथॉरिटीज ऑर्डर्स, the highest authority in the land. अगर वो जवान order मांग के अपनी जान भी निछावर कर देता है तो भगवत का क्या right है कि cabinet की approval जो जिस proposal पर ली हुई है उसको flout करे? A very dignified तरीका ये था कि ये इस्तीफा दे के चले जाते, देश भी इनकी बहुत इज्जत करता। अब वो कहते हैं जी नहीं, मैं नहीं रिजाइन करूंगा। इन्होंने कहा मैं नहीं, मुझे रिजाइन करने के बोला था, मैं नहीं किया, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी ना कि आप चले जाइए रिजाइन करके, तो मैं बिल्कुल डिग्निटी के साथ जाते, डिसमिसल का सवाल ही नहीं उठता था। एडमिरल सतिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे में आकर इस विवाद के दूसरे पहलू पर रोशनी डालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद जी।